दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे ये फ्रिज में अगर पावर नहीं आ रहा है, लाइट नहीं जल रहा है, फ्रिज जो है ऑन नहीं हो रहा है तो इसको कैसे चेक करेंगे हम लोग और इसको रिपेयर कैसे करेंगे। तो ये देखिए, ये गोदरेज का फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर। इसमें जो है पावर नहीं आ रहा है और जो अंदर का जो फ्रिज का अंदर एक लाइट लगा रहता है, लाइट भी ऑन नहीं हो रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप इसको कैसे आप ये समस्या को कैसे चेक करेंगे और सॉल्व कैसे करेंगे ये वीडियो के ज़रिए आप लोग को बताएंगे। दोस्तों ये देखिए, पावर दिया हूँ इसमें लेकिन लाइट वगैरह कुछ भी नहीं जल रहा है। तो हम लोग एक काम करेंगे, पहला चीज़ जो है, आप अगर पावर दिया है फ्रिज में और जो है पावर नहीं आ रहा है तो एक बार एक काम कर सकते हो आप, ये जो नीचे कंप्रेसर है, कंप्रेसर को जो है आप हाथों की मदद से थोड़ा सा टच करके देखिए। अगर कंप्रेसर चल रहा है तो जो है फॉल्ट जो है कहीं और है। तो ये देखिए, कंप्रेसर जो है नहीं चल रहा है, इसमें वाइब्रेशन वगैरह कुछ भी नहीं है। तो फ्रिज को थोड़ा सा साइड कर लेंगे और जो है स्टेप बाय स्टेप शुरुआत से हम लोग चेक करेंगे। दोस्तों जो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल में नए हो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो ये देखिए, ये पीछे तरफ में आ गया हूँ, फ्रिज को मोड़ दिया हूँ हमने। तो पहला स्टेप है ये जो पावर सप्लाई कोर्ट है, ये देखिए यहाँ पे जो पिन लगा है कनेक्टर, ये कनेक्टर को मैं खोल दिया हूँ। पहला स्टेप है हम लोग ये पावर कोर्ट जो है इसको चेक करना है, अगर पावर फ्रिज जो है पावर नहीं आ रहा है, सप्लाई नहीं आ रहा है तो। क्योंकि जिस तरह से प्रॉब्लम जो क्रिएट हो रहा है उसी हिसाब से जो है हम लोग को काम करना है। ये फ्रिज में जो है पावर नहीं आ रहा है, इसके लिए जो है हम लोग पावर का लाइन में ही चेक करेंगे। तो पहला स्टेप है ये जो पावर कोट है इसको हम लोग चेक करेंगे। तो आप सीरीज लैम्प का मदद से भी कर सकते हो या तो मल्टीमीटर का मदद से भी कर सकते हो। तो मैं ये मल्टीमीटर लिया हूँ, ये जो कनेक्टर है इसको निकाल दिया हूँ। निकाल करके जो है इसको जो है कंटिन्यूटी चेक करेंगे पावर कोट को। तो ये देखिए, इसका प्लग टॉप है, इसका एक एंड पे जो है मल्टीमीटर का एक प्रोब को लगाएंगे और जो कनेक्टर है उसमें एक प्रोब को लगाएंगे, देखेंगे कंटिन्यूटी आ रहा है नहीं आ रहा है। तो ये देखिए, मल्टीमीटर जो है इस तरह से कंटिन्यूटी बता रहा है। तो अभी पावर कोट को एक बार चेक करेंगे। इसमें अगर पावर सप्लाई आ रहा है, पावर कोट में कंटिन्यूटी बन रहा है, तो जो है हम लोग जो कंप्रेसर का पॉइंट में जो रिले लगा रहता है, रिले को चेक करेंगे और जो है यहाँ पे जो कैपेसिटर लगा रहता है, कैपेसिटर को भी चेक करेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। और कभी कभी जो है पावर आने के बाद भी जो है कभी कभी बल्ब जो है ख़राब हो जाते हैं। बल्ब ख़राब होने से भी जो है अगर पावर जो है कंप्रेसर तक जा रहा है तो आपका जो फ्रिज है कूलिंग देने लगता है, लेकिन इसमें जो है सप्लाई बिल्कुल भी फ्रिज के अंदर नहीं जा रहा है। तो इस तरह से ये देखिए, एक प्रॉप को मैं यहाँ पे लगाया हूँ और दूसरा पॉइंट में लगाया हूँ यहाँ पे पावर कोट में। ये देखिए, कंटिन्यूटी दोनों तरफ में चेक कर रहा हूँ मैं, कंटिन्यूटी जो है नहीं बता रहा है। तो दूसरा पॉइंट को भी एक बार चेक कर लेंगे। तो ये दूसरा पॉइंट में भी जो है कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है, तो कहीं ना कहीं ये पावर कोट में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये देखिए, मैं प्लग टॉप का जो हेड है उसमें कट कर दिया हूँ। ये देखिए, एकदम काला होके यहाँ पे जल गया है वायर जो है। तो इसका जो स्लीव है इसको निकाल दिया हूँ। तो क्योंकि मेरे पास अभी प्लग टॉप नहीं है तो इसको फ़िलहाल अभी इस तरह से लगा करके चेक करेंगे। अगर इसमें भी पावर नहीं आ रहा है तो जो है कोट को ही चेंज करेंगे।
तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया प्रॉब्लम हमारा किस तरह से जो है क्रिएट हो रहा है, उसी तरह से हम लोग जो है स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। इसमें पावर का प्रॉब्लम है तो हम नहीं लोग अलग स्टेप भाई बाय हो स्टेप जो है कोड से अलग स्टार्ट करके जो है चेक करेंगे। तो जैसे कि हम लोगों ने चेक किया अभी, तो कोड में ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो फिर भी देखते हैं एक बार कनेक्ट करके। इसमें अगर जो है फ्रिज में जो है अगर पावर आ गया, लाइट जल गया तो अच्छी बात है। तो देखिए लाइट जो है आ गया है फ्रिज में, और कंप्रेसर का आवाज़ भी करने लगा है। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप जिस तरह से प्रॉब्लम होता है उस तरह से हम लोग को चेक करना है। तो अगर पावर आ रहा है, कंप्रेसर चल रहा है और जो है फ्रिज जो है कूलिंग नहीं हो रहा है, तो इस तरह में ये सिचुएशन में जो है कहीं ना कहीं हमारे फ्रिज में जो है गैस जो है ख़त्म हो गया है। और अगर पावर कट सही है तो आप जो है कंप्रेसर का पॉइंट में जो रिले लगा रहता है, रिले का पॉइंट में जो है सप्लाई को चेक कर सकती हो मल्टीमीटर के ज़रिए। तो ये देखिए सिंपल सा प्रॉब्लम है और जो है सॉल्व हो गया है। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो में बने।